हेलो दोस्तों, मेरा भी सैनी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब पर। दोस्तों फिर हम बात कर रहे हैं राजा रामायणा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की, जिन्होंने नॉमिनेशन जारी किया जिसमें अपर डिवीज़न क्लर्क, ड्राइवर और वर्क असिस्टेंट की पदों पर भर्ती होनी है, जो उनको आवेदन जारी किए हैं। तो बने रहिए वीडियो के साथ और वीडियो का देखिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, कितने फीस आपको पे करनी होगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारे चैनल पर नए आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम इसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब एडमिट कार्ड रिजल्ट और सिलेबस जारी होते हैं हम आपको वीडियो के माध्यम से स्टेप बाई स्टेप गाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वेबसाइट जिसका नाम है gatijobs.com और जो पोस्ट है RRCAT Recruitment 2018-19। हमारी जो वेबसाइट है gatijobs.com, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूँ, जिससे कि आप अपना जो आवेदन है वो कर सकते हैं। इसमें जो डिपार्टमेंट नेम है, जैसे मैंने आपको बताया, राजा रामायणा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT इंदौर MP का है। इसमें जो जॉब जो रहेगी दोस्तों वो अपर डिवीज़न क्लर्क UDC ड्राइवर की पोस्ट है, जिसमें ऑर्डिनरी ग्रेड की है, और वर्क असिस्टेंट की इसमें पोस्ट रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसके अंदर रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, स्किल टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा दोस्तों। उसके बाद जो आप आवेदन कर सकते हैं उसकी जो लास्ट डेट है वो 10 सितंबर 2018 है। इसकी जो कॉल लेटर है उसकी जो डेट अभी जारी नहीं हुई है, जैसे ही जारी होगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं कैसे आप अपने जो कॉल लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए जो इसमें जो टोटल सीटें हैं वो 15 हैं दोस्तों। इसके बाद वैकेंसी जो रहेगी अपर डिवीज़न क्लर्क की 9 है इसमें पोस्ट, और ड्राइवर की जो पोस्ट है वो 4 है, और वर्क असिस्टेंट की 2 पोस्ट हैं। एज की हम बात करें तो उसके अंदर मिनिमम आपकी 18 साल की एज होनी। अपर एज की हम बात करें तो उसके अंदर जो मैक्सिमम जो एज है वो इसमें ड्राइवर की जो पोस्ट क्लर्क डिवीज़न जो क्लर्क है उसकी 27 साल की एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और ड्राइवर की जो पोस्ट है उसकी भी 27 साल है, और वर्क असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 37 साल की होनी चाहिए। सैलरी की जो उसमें दी जाएगी वो 25,500 जो अपर डिवीज़न क्लर्क की है, और ड्राइवर की 19,900 और वर्क असिस्टेंट की 18,000 रुपये सैलरी पर मंथ दी जाएगी। अप्लाई करने से पहले इसका जो लिंक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पर नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो आप इस लिंक पर क्लिक करके आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप हो जाएंगे, और यहाँ से आप जो नोटिफिकेशन आया है आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। इसमें पूरी जानकारी दी है नोटिफिकेशन में, तो पहले सबसे पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह से रीड कर लें, उसी के बाद अपना जो आवेदन है वो करें दोस्तों। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना है, तो आप इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आप पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे चलेंगे फास्ट में, तो यहाँ पर जो 3 लिंक दिए हुए हैं, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ अपर डिवीजन क्लर्क और पोस्ट ऑफ ड्राइवर, पोस्ट ऑफ वर्क असिस्टेंट, जिस भी पोस्ट के लिए आपको आवेदन करना है तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इनकी जो फॉर्म है ये आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आप अपना एडवर्टीजमेंट नंबर और एज इट इज आ जाएगा, ट्रेड कोड और नेम डालना है आपको। नेम डालने के बाद अपनी ईमेल आईडी और जो इमेज दी हुई है ये डाल के एज इट इज, जो इमेज में 67053A दिया हुआ है, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर में डालना है, स्मॉल है तो स्मॉल लेटर में डाल के और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके जो ईमेल आईडी है जो भी आप यहाँ पर डालोगे उस पर आपका जो पासवर्ड है वो आ जाएगा। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन आपको करना है तो लॉगिन आईडी डाल के यहाँ पर दोबारा से, और जो आपके पास पासवर्ड आया है मेल पे वो पासवर्ड आपको यहाँ डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, उस फॉर्म को भर के आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो एडमिट कार्ड जारी होगा दोस्तों उसके बारे में आपको बताएंगे कैसे अपने जो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।